है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे ऑटोमेटिक। कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहता है, आज जिस रेट में पड़ेगा, मान के चलिए कि बस कुछ नहीं, 3 से 4 साल रुकेंगे, डबल रेट में अगर वो सेल करना चाहेंगे तो आसानी से। सर ये मंदिर का एरिया है, मंदिर के साथ में पार्क दिया गया है, यहाँ पे भी लाइटिंग पूरी व्यवस्था है और हर जगह पे ये पॉइंट दिए गए हैं लाइट के आपके ये, और ये है छठ पूजा स्थल। 30 फीट जी जी, ये 30 फीट की रोड है, ये एसटीपी के पॉइंट है, सीवर का पॉइंट है और हर जगह पे एक एक पॉइंट पड़े हुए हैं। ये क्या क्या चीजें हैं, मंदिर है, ग्रे प्ले ग्राउंड है आपकी, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है, छठ पूजा स्थल है, यहाँ तक जो गार्ड है, गार्ड फैसिलिटी भी है, ये गार्ड रूम है। जी जी, गार्ड रूम है और जिससे कि कोई भी व्यक्ति आए जाए तो जो नाम लिखे हुए, जिनकी जिनकी रजिस्ट्री हो गई है सब पे नाम है, पहले कब्जा है तभी रजिस्ट्री, यहाँ पे देखिए जो है नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब ने लिया हुआ है और ये डॉक्टर साहब ने लिया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलंकार प्रॉपर्टी में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त हसन। दोस्तों आज हम आ चुके हैं आपकी डिमांड पे रायबरेली रोड पे दोस्तों, अप्रूवल साइट लेके, जिसे आपको डिमांड होती है अप्रूवल प्लॉट, ये अप्रूवल मकान दिखाएं दोस्तों। जिला पंचायत से अप्रूवल है और अप्रूवल साइड में जो सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधाएं दोस्तों यहां पे मिलने वाली हैं। लोकेशन है दोस्तों इसकी रायबरेली रोड से बहुत ही कम डिस्टेंस पे दोस्तों, यहां पे हम लोग खड़े हुए हैं और इस साइट के बारे में और ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ममता मैम। आइए मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी जी सर। तो मैम सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सबसे पहले। बिल्कुल, पहली बात तो पद्मजा ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ममता है और कंपनी में एचआर पोस्ट पे हूँ और इस साइट का नाम है मृग विहार, जो कि वेलसन मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने है। ये मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे बन वेलसन रहा मेडिकल कॉलेज, कितने बेड का है ये? ये 600 बेड का है। 600 बेड का है। जी जी। अच्छा, जैसे कि रायबरेली रोड पे हम लोग आए हुए हैं तो रायबरेली रोड से अगर हम डिस्टेंस की बात करें कितना है और थोड़ी सी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, कनकहा एक नंबर। देखिए ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन आप देख रहे हैं, रायबरेली रोड कनकहा देख रहे हैं, जहाँ पर महेश प्रसाद डिग्री कॉलेज, डेंटल ओपी चौधरी, आयुर्वेदिक कॉलेज और आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के जो फ्लैट्स हैं उसी जगह पे ये साइट है। मेन रोड से मात्र 1.5 किलोमीटर दूरी पे है रायबरेली रोड। हाँ ठीक है। बात करें मोहनलालगंज तहसील से तो कितनी दूरी पड़ेगी? मोहनलालगंज तहसील से 3 किलोमीटर होगी। 3 किलोमीटर? हाँ, उससे ज्यादा नहीं है। और रायबरेली रोड से 1.5 किलोमीटर की दूरी मान के चलिए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं? सारी पहली बात तो 1.5 किलोमीटर दूरी इसलिए नहीं पता चलेगी क्योंकि अगल बगल सब गवर्नमेंट की जमीन है और गवर्नमेंट की जमीन में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, तो इस कारण से ये रोड पूरा 40 फीट का है। 40 फीट। और सबसे बड़ी चीज की यहाँ पे जो भी लोग अपना मकान बनाते हैं, पहली चीज तो वातावरण से दूर रहेंगे, जो प्रदूषण वातावरण जो भी शुद्ध रहेगा। अगल बगल गवर्नमेंट की जमीन है, स्कूल है, कॉलेज है, यहाँ पर स्कूल कॉलेज का भरमार है। भरमार है, हाँ, वो तो है जी। तो थोड़े से एक दो स्कूल कॉलेज का नाम बताइए कौन आपका हो गया। ये तो मेडिकल कॉलेज हो गया, उसके बाद महेश प्रसाद डिग्री कॉलेज हो गया, बालाजी इंस्टीट्यूट हो गया और आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स हैं और उसके बाद है जावित्री हॉस्पिटल, कनकहा हॉस्पिटल, ये सारे हॉस्पिटल कॉलेज 1-2 किलोमीटर के अराउंडिंग में ही। अच्छा, मार्केट की बात करें तो कितनी दूरी पे? मेन मार्केट आपका ये कनकहा हो गया मेन मार्केट और आपका उसके अलावा मोहनलालगंज का मार्केट हो गया। और इतनी बड़ी सोसाइटी बन रही है तो ऑटोमेटिक जहाँ पे बस्ती होती है वहाँ पे ऑटोमेटिक मार्केट लगी जाते हैं। तो मैम जैसे कि अप्रूवल साइड है, अप्रूवल साइड में जो है कमर्शियल स्पेस भी दिया जाता है, क्योंकि अंदर कोई अगर मकान बनाए तो उसको ज्यादा दूर ना जाना पड़े, वहीं पे जो है उसको सुविधाएं मिल जाए, तो यहाँ पे ऐसा कुछ है? बिल्कुल है सर, ये 110 बीघे 20 बीघे की पहली बात तो सोसाइटी है, दूसरी चीज बेलसन मेडिकल कॉलेज है, बिल्कुल आपको पहली बात तो कॉमर्शियल पूरा ये 40 फीट रोड जितना भी है सब कॉमर्शियल ही यूज होना है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में आपको भी पता है डॉक्टर नर्स मरीज सब आएंगे, सबके रहने के लिए कोई भी हॉस्पिटल से संबंधित अगर नर्सिंग होम भी खोलते हैं या कुछ भी होता है, इवन अगर मान लीजिए कि कोई शॉप खोलते हैं तो भी चलेगा। सोसाइटी में अगर 1,500 लोग रह रहे हैं तो वो लोग कहाँ जाएंगे? सही बात है। और रेंट के लिए अगर उठाना चाहे तो भी अच्छा है, क्योंकि रूम अभी आप देख लीजिए पीजीआई में, अंदर इतनी दूर पीजीआई है लेकिन लोग आते हैं रोड पे चरण भट्टा में ही और वहाँ पे रूम लेते हैं, उससे अच्छा इतना पास है वेलसन मेडिकल कॉलेज के जस्ट सामने अगर रहेगा तो लोगों को रहने में भी असुविधा नहीं होगी और नियरेस्ट में रहेगा तो हर चीज की सुविधा रहेगी। ठीक है। गेटेड सोसाइटी है, मेन रोड 40 फीट का है, सोसाइटी के अंदर 30 फीट का रोड है और ये जो गार्ड है, गार्ड फैसिलिटी भी है, ये गार्ड रूम है। जी जी, गार्ड रूम है
और जिससे कि कोई भी व्यक्ति आए जाए तो जो सोसाइटी के अंदर लोग हैं वो सुरक्षित हो, उसके लिए गार्ड रूम भी है और गार्ड भी प्रोवाइड है। प्रोवाइड है, ठीक है। तो एक बार हम लोग अंदर चलते हैं जी। मैं जैसे मैम यहाँ पे जो है ये पिक लगी हुई है तो ये क्या है, मतलब इसी साइड की है कि आपकी कहीं और साइड है? ये इस साइड की भी है, ये सारी इस साइड की है, बाकी हमारी और भी साइटें हैं। ये मधुबन विहार की है और ये हॉस्पिटल है, आपने देखा ही है, और ये मकान बने हुए हैं। हमारी ऐसी लगभग 25 से 30 साइटें हैं। अच्छा अच्छा, जिसमें हाँ लखनऊ में, और सब लगभग रायबरेली रोड पे पीजीआई से लेकर के यहाँ तक में है, और हर जगह पे जहाँ सोल्ड आउट हो गया वहाँ लगभग 25 से 30 मकान बने हुए हैं, बने हुए लोग और रह रहे हैं। हाँ रह रहे हैं लोग। और दूसरी चीज की जितना भी डेवलपमेंट का कमिटमेंट है, जैसे गेटेड सोसाइटी में गेट, रोड, लाइट, पार्क, मंदिर, सीवर, छठ पूजा स्थल, एसटीपी पॉइंट, ड्रेनेज, ये सारी सुविधाएं हमको देना ही देना है, देना ही ये देना। सारी सुविधाएं ग्राउंड पे आप खुद देख लीजिए, है इधर आपका ये रोड है, आपका पेड़ है, पौधे लगे हैं, ग्रीन एरिया है, बाकी आगे जो है एसटीपी पॉइंट भी है, अभी वहां पे भी हम पहुंचेंगे, लाइटिंग है, ठीक है। ये रोड जो है 40 फीट की है? हाँ ये रोड 40 फीट की है, और अंदर वाली रोड अंदर है 30 फीट फीट की, की है? सबसे कम 30 फीट की रोड है, उससे कम की रोड ही नहीं है, उससे कम की नहीं है, ठीक है। जैसे मैम यहाँ से हम लोगों ने वीडियो की स्टार्टिंग करी है जी और ये जो साइड में जो जैसे प्लॉट हो गया अगल बगल में, जी तो यहाँ पे अभी अवेलेबल है? हाँ 40 फीट रोड पे तो प्लॉट अवेलेबल है, लेकिन आगे है आगे है, जी, मतलब इस रोड पे नहीं जिसपे हम नहीं लोग जो नहीं है चल रहे हैं, जी ठीक है। 120 बीघे में साइड जो है आपने हाँ, एक बताया सौ बीस अपना, बीघे की सोसाइटी है ठीक है। तो दोस्तों सोसाइटी बहुत अच्छी है, काफी सुविधाएं मिल रही, जो कि एक अप्रूवल साइड में मिलती हैं। दोस्तों आप लोगों की डिमांड होती है अप्रूवल साइड लाइए, तो अप्रूवल साइड दोस्तों हम आपके लिए लेके आए हैं, और काफी बड़ी साइड है। अंदर चल के दोस्तों हम आपको जो है पूरी साइड विजिट कराते हैं, और क्या क्या सुविधाएं ये हैं, हमारे क्या यहाँ पे रेट एक है। चीज और भी है, बताइए। सबसे पहली चीज है कि बुकिंग अमाउंट पे कब्जा देते हैं, जैसे अच्छा आप देखिए यहाँ पे जिन लोगों हाँ ने रजिस्ट्री जिनकी हो गई है, हाँ ये नाम लिखा, एक बार नाम नाम पास से लिखा दिखा हुआ है, दीजिए, और नमन यादव। सबसे बड़ी चीज है कि बुकिंग अमाउंट पे कब्जा देते हैं, 11,000 हमारे यहाँ बुकिंग अमाउंट है, उससे अच्छा ज्यादा लेते नहीं है। बुकिंग कराइए, बुकिंग के बाद सबसे पहले बाउंड्री करवाइए, बाउंड्री कराने के बाद ही हम रजिस्ट्री आप करेंगे। रजिस्ट्री करेंगे। हाँ इवन ये भी है कि आप बुकिंग कराते हैं, बुकिंग के बाद आपने फैमिली को दिखाया, सब कुछ समझ में आया, आपने ओके किया, पहले कब्जा लिया फिर रजिस्ट्री, फिर किसी रजिस्ट्री। कारणवश अगर नहीं भी ले पाते हैं तो वो हाँ पैसा बुकिंग अमाउंट रिफंडेबल है रिफंडेबल है, मतलब सारी सुविधाएं मिल रही जो जो क्लाइंट चाहता है कि हमको जो है मिले। जी जी एक बार जो है आप कैमरा घुमा के साइड दिखाइए पूरी, कि किस टाइप से जो है ये नजर आ रही है, काफी खूबसूरत है, फुल डेवलप जो है साइड करके जो है यहाँ पे सेल आउट करी जा रही है। सब जगह पे नाम लिखे हुए, जिनकी जिनकी रजिस्ट्री हो गई है सब पे नाम है, पहले कब्जा है तभी रजिस्ट्री, यहाँ पे देखिए जो है नाम लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब ने लिया हुआ है, और ये डॉक्टर साहब ने लिया हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं जो है क्लिनिक वगैरह के लिए ही लिए हुए हैं, बड़ा एरिया लिया क्योंकि है रोड से पास में भी जी जी एरिया भी बड़ा है। मैम जैसे जिला पंचायत से अप्रूवल है ये आपने बताया, जी जी बात करें जिला अगर हम पंचायत रेरा से, कि जी जी रेरा रजिस्टर्ड है कि नहीं है? देखिए रेरा रजिस्टर्ड तो कंपनी रजिस्टर्ड है रेरा से, अच्छा और जितनी भी साइटें हैं सब जिला हाँ पंचायत अप्रूवल के साथ में हैं। अच्छा रेरा के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, जैसे रेरा भी अथॉरिटी मांगती है ना डेवलपमेंट के लिए, जैसे 40 फीट रोड हो, रोड होनी तीस चाहिए। फीट रोड होनी हाँ चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, लाइट हो, सीवर हो, सीवर होनी चाहिए। एसटीपी पॉइंट हो, हाँ ग्रीन एरिया हो, यही सारी चीजें यही होती सारी हैं, चीजें, और वो सारी पहले चीजें मिल कब्जा रही हैं। फिर रजिस्ट्री, हाँ तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी दे रहे जी हैं। सारी चीजें मिल ही रही हैं, हाँ और 11,000 पे हाँ कब्जा मिला जा रहा है, हाँ 11,000 रुपए पे कब्जा ठीक है, है। और रेरा का मतलब भी यही होता है कि कब्जा, कि हाँ टाइम से जो टाइम कह रहा है उस टाइम पे जो है कब्जा दे, तो आप लोग उससे पहले पहले से हम दे कब्जा रहे दे हैं, ही हम रही उससे हैं पहले कब्जा दे रहे रजिस्ट्री हैं से सर। पहले ही? हाँ हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सारी चीजें यहाँ पे देखिए जो है भी हाँ कि क्या क्या चीजें हैं, मंदिर है, ग्रे हाँ प्ले ग्राउंड है, हाँ आपकी 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी है, छठ पूजा स्थल है, यहाँ तक कि इवन यहाँ पे बसें भी आती हैं, स्कूल की अच्छा बसें आती हैं, और हाँ गार्ड सुविधा है, एसटीपी पॉइंट है, गेटेड हाँ गेटेड सोसाइटी है, कॉलोनी हॉस्पिटल हॉस्पिटल है ही है, और डामर सीवरेज रोड, है ही है, डामर रोड है, हाँ आरसीसी है, जो भी है सब मतलब है ये सारी चीजें आप इसमें देख रहे हैं दोस्तों, वो सारी सुविधाएं जो है आपको यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये वो 40 फीट की रोड थी, ये 30 फीट की जी रोड जी है ये मैम तीस ना? फीट की रोड है, ये एसटीपी के एसटीपी पॉइंट सीवर, है, सीवर का हाँ पॉइंट है, सीवर और यहीं हर पे जगह पड़े, पे एक एक पॉइंट पड़े हुए हैं सर हर जगह दिए हुए जी हैं, जी ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एक मंदिर भी मिल रहा है, मंदिर छठ पूजा स्थल। मंदिर भी है, छठ पूजा स्थल भी है, अधिकतर आपको देखिए बलिया हो गए, बिहार हो गए, आजमगढ़ हो गए, मऊ हो गए,
ये सारे जगह के लोगों के प्लॉट है यहाँ पर। अच्छा। तो सब लोग लगभग लोग छठ पूजा स्थल मनाते ही हैं, जो कि बहुत बड़ा पर्व है, और उनके हिसाब जो उनको सुविधाएं मिल सके उसके लिए हम लोग ऑलरेडी छठ पूजा स्थल भी दिए दे रहे हैं, ताकि कहीं और ना जाना पड़े, बाहर ना जाना पड़े, सब इसी के अंदर ही हो जाए। जी ठीक है। यहाँ पे भी है सीपी के पॉइंट, हर पॉइंट पे सारी सुविधाएं, मतलब सीवर नाली, रोड, पार्क, जी जी सब कुछ जो है यहाँ पे आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, रेट की बात अभी हम लोग आपको थोड़ी पूरी साइड जो है विजिट करा दें, फिर उसके बाद रेट बताएंगे। और मैम बता रही है कि एक ऑफर भी है, हाँ, तो डिस्काउंट भी आप बता बिल्कुल रही बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, डिस्काउंट के बाद रेट की बात जो है हम लोग अभी करेंगे। मैम जैसे कि यहाँ पे ये नंबर पड़े हुए प्लॉट नंबर 124-132, जी जी, तो इस तरफ 124-132 ये लाइनिंग के प्लॉट है, 132 के। ठीक है, उस तरफ भी देख सकते हैं वहाँ पे नंबर, यहाँ 141 से लेके 133, मतलब ये पूरा ये नंबरिंग पड़े हुए हैं, सब नंबर पड़े हुए हैं। तो बात करते हैं मैम यहाँ पे हम लोग जो है साइज की, जी जी, कि प्लॉट के साइज क्या रहेंगे। देखिए यहाँ पे मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट के एरिया है और 20x50 के हैं, मैक्सिमम जितना एरिया आप लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग प्लॉट है। जैसे मान लीजिए किसी को 1250 चाहिए तो 25x50 है, किसी को 1500 के चाहिए तो 30x50 है, किसी को 1000 भी चाहिए तो 20x50 के भी प्लॉट है, प्लॉट मतलब सबकी सुविधाओं को देखते हुए हर साइज के, मतलब मिनिमम 1000 के है, मैक्सिमम जितना चाहे जितना चाहे ले सकते हैं जी। मतलब डेप्थ कितनी रहेगी, 50 की डेप्थ, तो कम से कम जो है 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट यहां पे ले सकते हैं, उसके ऊपर जितना लेना चाहे, हाँ उसके ऊपर जितना लेना चाहे। ठीक है, और ये जो है एसटीपी प्लांट है यहाँ पे, आप जी जी, ये साइड ऑफिस है, साइड ऑफिस के जस्ट पीछे आपका एसटीपी प्लांट है, जो कि 300 KLD का बन रहा है, जो कि पूरे उसमें पानी का जो भी चीजें हैं कि जो भी कस्टमर रहे उनको कोई दिक्कत ना हो पानी की कभी। और एक बार जो है कैमरा घुमा के दिखाइए दोस्तों, चारों तरफ से जो है बाउंड्री वॉल से साइड जो है आपकी बिल्कुल पैक है, चारों तरफ जो है बाउंड्री वॉल है, और सामने जो है आपको देखने को मिल जाएगा मंदिर, और उसी के पास जो है छठ पूजा स्थल भी आप लोगों ने दिया है जी। ठीक है, तो ये रोड है, इस तरफ से जो है हम लोग चलते हैं अंदर। प्लॉट के साइज दोस्तों आपको पता चल चुके हैं, लोकेशन जो है आपको पता चल चुकी है, साइट जो है आप पूरी देख ही रहे हैं, अब जो है इसके बचे हैं आपको रेट बताना, और पहले मंदिर और छठ पूजा स्थल बता दिखा देते हैं, उसके बाद जो है मेन प्लस पॉइंट यहाँ पर ये है कि सबसे बड़ी चीज है कि 600 बेड का बेलसन मेडिकल कॉलेज बन रहा है, चारों तरफ लगभग गवर्नमेंट की जमीन है, ग्रीन एरिया, अगर ग्रीन एरिया रहता है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आएंगे ऑटोमेटिक, कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना चाहता है आज जिस रेट में पड़ेगा, मान के चलिए कि बस कुछ नहीं 3 से 4 साल रुकेंगे, डबल रेट में अगर वो सेल करना चाहेंगे तो आसानी से सेल कर सकते हैं, हो जाएगा, ये फायदा होता है अगर साथ में प्रोजेक्ट होते हैं जी सरकारी, तो अगल बगल सरकारी प्रोजेक्ट है, उसके बाद फिर स्कूल कॉलेज आ गए, यहाँ पे हॉस्पिटल बनी रहा है, तो इसलिए बड़ा हॉस्पिटल आपका PGI है, जो ज्यादा दूरी पे नहीं, हमको लग रहा है ज्यादा दूरी पे है, 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी है, नहीं नहीं PGI सॉरी मोहनलालगंज 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पे है, PGI लगभग मान के चलिए कि 10 से 12 लेकिन एक बहुत बड़ा लखनऊ का हॉस्पिटल जो है सिर्फ 10-12 किलोमीटर की दूरी पे, कोई दूरी नहीं, लोग तो बड़ी दूर से आते हैं लोग यहाँ पे इलाज करवाने के लिए। और अगर अपना खुद का मकान रहेगा तो 10 किलोमीटर क्या है, कुछ भी नहीं है, गाड़ी है, साधन है, तुरंत पहुँच जाएंगे, बहुत ज्यादा 15 से 20 मिनट लगेंगे जाने। इधर हमारा ये छठ पूजा स्थल है और ये मंदिर है, आप देख रहे हैं सर, ये मंदिर का एरिया है, मंदिर के साथ में पार्क दिया गया है, यहाँ पे भी लाइटिंग पूरी व्यवस्था है, और हर जगह पे ये पॉइंट दिए गए हैं लाइट के आपके ये, और ये है छठ पूजा स्थल, जो कि पूर्वांचल के लिए, पूर्वांचल के जितने भी भाई, जितने भी सर लोग हैं, जो भी है फैमिली, बहुत धूमधाम से छठ पूजा स्थल मनाते हैं, तो इसलिए उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं ऑलरेडी की गई है, की गई है। छठ पूजा के साथ साथ में ये घूमने का, वॉकिंग का, लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, लेकिन अगर हमको सोसाइटी के अंदर ही घूमने के लिए, वॉकिंग करने के लिए हर चीज की जगह मिल रही है, तो हमको बाहर जाने की क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं, सही बात है जी। ठीक है दोस्तों, ये मंदिर है और ये जो है छठ पूजा स्थल है, दोनों जो है पास पास में है। मैम अब हम लोग बात कर लेते हैं रेट की जी, रेट क्या है। देखिए यहाँ का मार्केट वैसे रेट तो 1499 है, बट 1499 के साथ साथ अभी चूंकि रेट निगोशिएबल है, 25 से 30% डिस्काउंट है। अच्छा अच्छा। और उसके साथ साथ में अगर कॉल करके आते हैं तो कुछ एडिशनल डिस्काउंट है, और अभी इस समय तो कंपनी जो है ऑफर दे ही रही है रजिस्ट्री का, और रजिस्ट्री का स्टैम्प फ्री है। अच्छा। तो ये तो मिल ही रहा है, साथ में अगर कॉल करके, डायरेक्ट कॉल करके आते हैं कंपनी में, मतलब कि कॉल करते हैं नंबर पे और आते हैं,
तो उनके लिए कुछ स्पेशल एडिशनल डिस्काउंट है जो कि वो कॉल करेंगे तभी बताएंगे। अच्छा मतलब ये है कि 30% तो 1499 में 30% तो डिस्काउंट जो है मिल रहा है, मिली रहा है। उसके बाद रजिस्ट्री फ्री हो रही है, इस टाइम फ्री है रजिस्ट्री में। हाँ, और कुछ जब आते हैं कॉल करके आएंगे विजिट के लिए तो कुछ एडमिशन, मतलब जो नंबर वीडियो पे है इस नंबर पे कॉल करके आएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा और डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मतलब काफी समझे डिस्काउंट मिल रहा है, 25-30% सर जी की। जिस समय आज के समय में अगर यहाँ प्लॉट ले रहे हैं कुछ नहीं 3.5-4 साल में वो डबल रेट में उसको सेल कर सकते हैं आराम से। देखिए रायबरेली रोड तो 6 लेन पास ही है और अभी अगल बगल में गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं वो सबसे अच्छी बात है कि सोसाइटी के आस ही पास रहेंगे तो वहाँ पे भी तो लोग जॉब करने आएंगे, भी आएंगे और उसके अकॉर्डिंग भी ये बिजनेस पॉइंट से भी बहुत अच्छा बहुत है अच्छा, और जो भी अभी गजट में था कि जो है कि मोहनलालगंज के 14 किलोमीटर अराउंडिंग में जो भी कनेक्टिविटी वाले रोड हैं जो कि जाकर के कहीं ना कहीं मिल रहे हैं वो 4 लेन पास होने के, तो जो भी रोडें होंगे वो चौड़ीकरण में जाना ही जाना है तो ऑटोमेटिक उसकी क्वालिटी और बढ़ गई, रेट फिर उसके इंक्रीज होंगे। हाँ वो तो होना ही होना है सर। और वैसे भी लखनऊ में दोस्तों आप लोग जान रहे जितने तेजी से रेट जो है प्रॉपर्टी के बढ़ रहे हैं, आज आप अगर इस प्रॉपर्टी को छोड़ते हैं 1499 में जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है, 1 साल बाद मान के चलिए 1700-1800 का रेट होना ही होना है। आपको पता है हमारी एक साइड है जो है फेज 2 कम्प्लीट हो गई है और कल्ली में भी साइड थी जो की लोगों ने उस समय जब स्टार्ट हुई थी बहुत कम रेट में लिया, आज उसका डबल रेट है और लगभग 50 लोग मकान बना के रह रहे हैं। हाँ इतनी तेजी से डेवलपमेंट होता है। और बाकी आपकी साइड कोई रोड से अंदर भी नहीं है, रोड से एक हिसाब से देखा है जो लगी हुई है, बाकी सुविधाएं सारी मिल रही है। यही आदमी चाहता है कि रोड बनी हो, सीवर हो, लाइट हो, हम मकान बना के जो है रहने लगे और वॉकिंग डिस्टेंस पे हमको सारी घर की सुविधाएं मिल जाए, जैसे कि मार्केट हो गया, स्कूल हो गया, वो सारी चीजें जो है यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपको इस साइड से जुड़ी जो है ममता मैम ने सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको लगता है किसी तरह की और जानकारी ऐसी थी जो हम लोगों ने आपको नहीं दी है तो इसके लिए आपको जो है नीचे नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉल करिए, आइए दोस्तों साइट को विजिट करिए, काफी बेहतरीन डिस्काउंट है और इस टाइम दोस्तों आप अगर जल्दी आते हैं तो इसमें आपको रजिस्ट्री भी फ्री दी जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अभी मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में।